2007 जनवरी से संवाद सेतु प्रतिष्ठान के नाम से हम सब महिला काम कर रहे हैं। हमारा काम का जो एरिया है वो है एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज। वी आर वर्किंग फॉर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स एंड वी हिंदी में होना है। हम सब ये बच्चों का, लड़के और लड़कियों का एक साथ ये वर्कशॉप लेते हैं। हमारा जो अनुभव है 10 बरस का वो ऐसा है कि इससे अच्छा एटीट्यूड बच्चों में आता है और ये एटीट्यूड से उनके बिहेवियर में बदलाव आएगा, ऐसा हमारा ऐसा ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। और ये क्यों लेना चाहिए? 7 अक्टूबर को हमने जो रखा है वो टीचर्स के लिए है और प्रिंसिपल्स के लिए। हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे घर में जितनी देर रहते हैं उससे भी ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर शिक्षकों का रहता है, तो शिक्षक जो बताते हैं वो उनको सच लगता है और शिक्षकों का दृष्टिकोण अगर इसके बारे में अच्छा रहा तो एक सुदृढ़ जो बालक है, सुदृढ़ जो पीढ़ी है वो हम निर्माण कर सकेंगे, ऐसा हमारा। ये जो 7 तारीख को जो आपका कार्यक्रम होने वाला है उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले, कितने टीचर्स? 200 टीचर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये टीचर्स के लिए 10 से 5 तक हम एक वर्कशॉप लेने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जिसको भावनांक बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट विथ चिल्ड्रन एट दिस एज। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन का तरीका अलग रहता है, जो पौगंडावस्था में है उनके साथ अलग तरीके से कम्युनिकेशन किया तो ही बर्ताव उनके बदलाव आता है उनमें, तो उसके ऊपर एक सेशन होगा। एक लिंग भाव जानीव जागृति जो बोलते हैं उसके ऊपर होगा, जो महिला और बाल विषयक कायदे जो रहते हैं, कानून जो रहते हैं वो कानून के बारे में। अभी तक आप जब अभी काम कर रहे हैं आप कई वर्षों से, तो आप कितने सफल रहे हैं अपने कार्य में, अपने काम में? अगर संख्या के हिसाब से देखो तो वी हैव रीच्ड अप टू 13,600 स्टूडेंट्स गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। अगर क्वालिटी के हिसाब से बोलो तो वी हैव गॉट फीडबैक्स रिटन एंड ओरल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स एंड बॉयज दैट दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम एंड वी वॉन्ट दिस सेशन इन एवरी स्कूल। आप में आपके जो संस्था में जो लोग काम करते हैं वो सब हायर क्वालिफाइड है, क्या क्या करते हैं? हमारे इसमें जो है वो कोई डॉक्टर है, कोई बैंक में काम करते हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर्स है स्कूल में, अलग अलग प्रोफेशन के हैं, कोई गृहिणी भी है, लेकिन सब एजुकेटेड है। जरूरी नहीं कि वो प्रोफेशन ही कुछ करते हैं। तो मन में इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की, और जब इच्छा होती है तो हाउसवाइफ भी रहे वो अपने बच्चों को संभालती है, और पहले तो घर से ही उनकी स्टार्टिंग होती है पढ़ाने की, और जहाँ से निकले वहाँ से हाउसवाइफ रहे या कोई भी ऑफिस की महिला रहे। बीज जो कोना है, बीज कोने के बाद 15-20 साल में वो पेड़ होता है, फल देता है, तो आज बीज बोने का काम हम कर रहे हैं। तुमको ये कहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से जो है तो ये मिला कि हमको ऐसे बच्चों में काम करना चाहिए? खुद के बच्चे ये साल के थे, हमारे एडोलेसेंस एज के बच्चे थे, वो देखते देखते हमें पता चला कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ये एज में, तो हमें लगा कि हम अब इससे बाहर निकल चुके हैं, तो लेकिन हमारी जैसी जो लेडीज है उनके हेल्प करने के लिए हमने ये ट्रेनिंग शुरू किया है और उनके लिए हम ये कर रहे हैं। कैसे लगता है ये सब करते हुए? बहुत अच्छा, बहुत समाधान मिलता है, आनंद मिलता है। कुछ हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं आप पेरेंट्स बच्चों को? हम ऐसी कार्यशाला जहाँ भी चलती होंगी वहाँ पे आप आपके पालकों को जरूर भेजिए, और पालक भी बच्चों से जब पेश होते हैं तो उन्होंने ये सब सोचना चाहिए। और हमारे जैसी कार्यशाला हमारे सिर्फ औरंगाबाद में चलती है, पूना, मुंबई, महाराष्ट्र में सब जगह चलती है, जहाँ भी आपको संधि मिले तो आप ऐसी कार्यशाला जरूर अटेंड। सिर्फ मार्क से आगे बढ़ना बच्चा ये कोई उसकी उन्नति नहीं है ना, उसके लिए ये भी सब जीवन शिक्षण आना चाहिए, यह भी उसके लिए दृष्टिकोण आना चाहिए, यह ज्यादा महत्व का है, यह हमें कहना। और ये कि बच्चों के ऊपर प्रेम करो, बच्चों के साथ बातें करते रहो।
बच्चों के बच्चों से प्रेम करो और बच्चों के साथ बातें कर संवाद करते रहो, भरोसा रखो, भरोसा रखो। हम ऐसा बोलते हैं, एक संस्कृत सुभाषित है, लालये पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़ये प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे। तो पेरेंट्स को हम या शिक्षक को भी ये बोलते हैं कि ये उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ हमने मित्रत्व इस्टेब्लिश करना चाहिए, उनको बराबरी का समझ के उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, कुछ डिसीजन लेना है तो वो भी बड़े हो गए, इसका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।